गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और अभी टाइम हो गया कितना, 2:30। और आज है कब, आज है 15th of August, यानी कि इंडिपेंडेंस डे। तो आप सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज हम लोग चल रहे हैं भाई, बहुत बहुत दिनों के बाद एक टूर पे कहीं पे, ठीक है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी गोवा, और अभी निकलना बेटर रहेगा क्योंकि अभी हो चुका है ये लॉन्ग वीकेंड और बहुत रश होने वाली है। कल 11 बजे तक तो यार रोड्स पूरा चोक था, मैंने 11 बजे तक ही ट्रैक किया था। अभी सुबह थोड़ा, अभी इस टाइम पे थोड़ा ठीक दिख रहा है, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर के हिसाब से हम लोग थोड़ा जल्दी निकल जा रहे हैं। तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, गाड़ी में चल के बात करते हैं, ठीक है। कहाँ जा रहे हैं, प्लान क्या है, क्या नहीं है, कुछ नहीं है। तो अभी आप देख ही सकते हो सब कुछ ऑलमोस्ट रेडी। ऋषि अभी भी हेलू स्टेट में है और ये पूरा सामान वगैरह रेडी। बाकी का जो भी सामान था मैंने गाड़ी में रख दिया था कल ही। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, मिलते हैं गाड़ी पे। ओके, सो नाउ टाइम इज कितना, 4:23। और अभी हम लोग है चित्रदुर्गा एक्सप्रेसवे पे। जस्ट अभी उठा हूँ, रात था तो इतना ज़्यादा शूट करने का कुछ मतलब नहीं बनता, बट नॉनदलेस राइट। हमें जो डर था कि जो अभी बैंगलोर से निकलते हुए हम लोगों को जो ट्रैफिक मिलने की जो डर थी, तो वो तो हम लोगों को बिल्कुल नहीं मिला। तो कोई भी ट्रैफिक नहीं है, बिल्कुल खाली था। सो दैट वाज अ वेरी गुड पॉइंट। और अभी फ़िलहाल इस रास्ते पे इट्स लाइक अबाउट 2 or 3 डाइवर्शंस अभी तक हम लोगों ने फेस किया, बट ओवरऑल द रोड्स आर वेरी गुड। और यहाँ से द एक्सप्रेसवे है तो आई थिंक टिल दावणगेरे एंड ऑल इट शुड बी फैंटास्टिक रोड्स लाइक दिस। और वो भी एक्सेस कंट्रोल तो नहीं बोलूँगा मैंने, बेसिकली बैरिकेडेड। तो अभी कहीं पे चाय वाय पीना है थोड़ा सा, फिर देखेंगे आगे। और सुबह होता है तो बात करते हैं। वैसे बहुत दिनों के बाद तो कोई व्लॉग आ रहा है चैनल पे, तो प्लीज़ सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो भाई हम लोग इधर अभी टोल बूथ के आगे रुके थे और अभी चाय शाय पी लिया यही टपरी से। और अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो है, देखो कितनी भीड़ है भाई, ठीक है। और अभी यहाँ से भी बहुत रह गया, अराउंड 500+ किलोमीटर रह गया। तो जल्दी से चलते हैं गाड़ी में, फिर बात करते हैं। चित्रदुर्गा वाला जो रोड है ना, वो मस्त है, लाजवाब है, ठीक है। और अभी यहाँ पे तो इस सेक्शन में आप देख सकते हो ये दोनों साइड ही पूरा फेंस्ड है। तो और स्पीड लिमिट है 100। वैसे मैं 100 में तो नहीं, मैं 95 में क्रूज़ कर रहा हूँ। और गाड़ी माइलेज क्या दिख रही है, देखो 18 की माइलेज मिल रही है अभी। और अभी सुबह हो गई है, अभी लग रही है थोड़ी थोड़ी भूख। टाइम हो गया 6:15। और आज ना मैंने बहुत सारे बाइकर्स लोग भी हैं इस रास्ते पे, और अभी थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही है, पता नहीं क्यों। तो कुछ खाना पड़ेगा, भूख लगा है। तो आज है इंडिपेंडेंस डे, लॉन्ग वीकेंड टाइप्स। आज है थर्सडे, तो बेसिकली आप अगर वेडनेसडे छुट्टी ले लो, फ्राइडे छुट्टी ले लो, तो एक मस्त लंबा बन जाता है वीकेंड।
सारे दोस्त हैं जिन्हें ऐसे ही किया है, तो वेडनेसडे को छुट्टी मार लिया, फिर दे वेंट आउट टू सम प्लेस। हम लोगों ने तो वेडनेसडे को छुट्टी नहीं लिया क्योंकि स्कूल्स वगैरह भी रहता है ना बच्चों की, तो वी डिसाइडेड टू यू नो टेक फ्राइडे ऑफ इंस्टेड। तो एंड दैट्स व्हाई अभी ये दो तीन दिन सोचे कि चलो गोवा घूम के आते हैं। That's why we planned like this. और ये बहुत बहुत हड़बड़ी में बना प्लान, ऐसा नहीं कि यू नो एकदम बहुत ही वेल प्लान था, ऐसा तो नहीं बोलूँगा, बट फिर भी चलो ठीक है। वैकेशन चाहिए था, बहुत दिन भी हो गया था। लास्ट हम लोग मंदारमनी गए थे, वो भी कितना मेरे ख्याल से अप्रैल महीने में गए थे, या फिर मैं भूल भी गया कब गया था। तो उसके बाद अभी जा रहे हैं, तो देखते आगे चलते। तो भाई अभी हो चुके हैं 8:30 सुबह के 8:30, और अभी यहाँ पे हम लोग आए हैं एक जगह पे ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ऑलमोस्ट अबाउट 300 समथिंग किलोमीटर रह गया है और गोवा तक। बहुत भूख लगी थी और थोड़ा स्लो भी चल रहे थे हम लोग, तो अभी फटाक से खाना वाना खाते खा के यहाँ से निकलते हैं। वैसे हम लोगों ने ऑर्डर किया है क्या, डोसा। यहाँ पे देसी को देखो, दो कुत्ता को देख के देखो इडली नहीं खा रहा है। डेजी विल नॉट ईट। ओके शी विल नॉट ईट। तो हम लोग जाके खाना खाते चलो। तो अभी खा रहे हम लोग डोसा, इसी खा रहे इडली, और एक भी खा रहा है डोसा। तो भाई खाना वाना ख़त्म करते हैं और निकलते हैं। तो अभी हम लोगों ने NH 48 छोड़ दिया है एंड वी आर ऑन दिस गोवा हाईवे। तो ये बेसिकली धारवाड़ से थोड़ा देर बाद ही कट जाता है, बट डाउन साइड इज दिस गोइंग टू बी मोस्टली अ सिंगल लेन रोड। ये घाट सेक्शन अभी शुरू हो जाएगा कुछ टाइम बाद, एंड देन ये रास्ता स्ट्रेट हम लोगों को लेके जाएगी पनाजी यानी पंजीम, ठीक है। तो ये रास्ता तो ठीक ही था सो फार, बट द प्रॉब्लम इज के यहाँ पे ना बहुत सारे डाइवर्शंस हैं और बहुत सारे जगह पे आपका वो चल रहा है फ्लाईओवर बनाने का काम चल रहा है, रास्ते भी थोड़े बहुत ठीक नहीं है। सो द चित्रदुर्गा रूट राइट विच अदरवाइज वॉज अ वेरी फैंटास्टिक रूट, अभी थोड़ा बहुत इसमें काम धाम चल रहा है। इट्स ओके फाइन, दैट्स नॉट एन इशू। सो अभी चलते हैं गोवा। तो भाई अभी घाट सेक्शन चल रहा है, ठीक है, और घाट सेक्शन में तो यार चलाने का जो मज़ा है वो अलग ही है, अलग ही। और इतनी ग्रीनरी है ना, मानसून में आप आओगे दिस इज़ द बेस्ट एडवांटेज ऑफ कमिंग इन मानसूनस और एंड मानसूनस, पकड़ लो। इतना सारा ग्रीनरी आपको और कोई भी सीजन में नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और रोड्स तो भाई देखो आप देख ही सकते हो, पूरा चकाचक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ थोड़े बहुत खड्डे वड्डे है इधर उधर ओकेशनली, बट दैट्स ओके मैनेजेबल। बट हाँ द थिंग इज के यहाँ पे ज़्यादा भगा नहीं सकते। अब आगे देखो, ये देखो सीरियस मैन, व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रोड है ना। तो अभी यहाँ से अपने को अभी दिखा रहा है और भी अपने जो हमने जो होटल बुक किया है वो ऑलमोस्ट 163 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और इसी रूट पे अभी स्ट्रेट चलने के लिए बोल रहे हैं कितना 105 किलोमीटर। ये अब देखो ये जो रास्ता है इतना हरा भरा जंगल है,
क्या ही बताऊँ, कोई मोबाइल की टावर नहीं है, खाली मैं ड्राइव कर रहा हूँ और भाई गाड़ी में गाड़ी का इंजन का थोड़ा थोड़ा साउंड फील देने के लिए, और ये लाजवाब रोड्स और इतनी हरियाली, और क्या चाहिए बताओ। मोबाइल नेटवर्क नहीं है, इतनी शांति है ना क्या बताओ, कोई गाना नहीं, कुछ नहीं, पैपे नहीं, कुछ भी नहीं। आई एम रियली एंजॉयिंग इट मैन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जी हियर वी आर फाइनली इन गोवा, और अभी हम लोग पंजिम पहुंचने वाले हैं जस्ट, और ये है वो फेमस ब्रिज, मेरे ख्याल से ओल्ड गोवा को पंजिम से कनेक्ट करता होगा, पता नहीं मुझे। सो यू कैन सी ऑल दोस क्रूज एंड ऑल दे आर देयर, वहाँ पे है, आपको दिख सकता है कि नहीं पता नहीं मुझे। तो दिस इज एक्चुअली वेरी हैपनिंग प्लेस, रात में आना पड़ेगा इधर, बहुत अच्छा लगता है। सो अभी चलते हैं, होटल अभी भी दिखा रहा है, यहाँ से 26 किलोमीटर दूर है, तो भाई 26 किलोमीटर जाने के लिए ऑलमोस्ट 55 मिनट्स बोल रहा है। रास्ते तो यार क्या ही बताऊँ, कभी कभार ये घाट सेक्शन में रास्ते बहुत ख़राब है यार। आई मीन द रोड्स आर लिटरली वॉश्ड ऑफ है कि पता नहीं क्या है। आई मीन लुक्स लाइक इट इज काइंड ऑफ ड्रेन्ड आउट ऐसे करके, एंड तो आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टू द रोड्स देयर। सो बट इन रियलिटी राइट, वो दिखता ऐसा है कि ऐसे सालों से मेंटेन ही नहीं किया है रोड्स को, तो ऐसे काइंड ऑफ रोड्स आई डोंट नो। आई मीन दिस अ वेरी वेरी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और अगर कर्नाटका से कोई आ रहा है राइट, तो आई डोंट नो व्हाई द रोड्स आर इन दिस कंडीशन। और बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता था बीच में, अब अगर धारवाड़ से आते हो तो भाई मैक्सिमम स्ट्रेच बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन जो स्ट्रेच ख़राब है ना बॉस, वो इतना ख़राब है कि जो अच्छा ही अच्छा वाला रोड है ना, उसकी पूरी हैप्पीनेस निकाल देगी आपसे। सो दैट्स द इशू हियर। एनीवेज अभी होटल का सफ़र तय करते हैं, और 24 किलोमीटर बता रहा है, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो भाई अभी टाइम हो गया है कितना, इवनिंग के 6:37, और आने के बाद बॉस इतना नींद लगा था क्या बताऊँ। अभी देखो आँखें भी फुली फुली हुई है, ठीक है। तो हम लोग हम लोग इधर अभी कहाँ पे है पता है, मॉर्जिम बीच के एकदम आजू बाजू में कहीं पे है। तो बेसिकली क्या हुआ सीन के, हम लोग तो देखो रात में निकले थे अराउंड करीब 3 बजे, और यहाँ पे आके गोवा में अपने होटल में चेक इन कर गए ऑलमोस्ट अबाउट 2:30 बजे, तो करीब मान लो 11.5 घंटे की जर्नी थी, और उसमें थोड़े बहुत रफ पैचेस भी थे। तो अभी सोच ही सकते हो 2:30 बजे अगर कोई बंदा निकला है, सॉरी 3 बजे अगर कोई बंदा घर से निकला है, तो उसका रात में तो ज़्यादा नींद हुआ नहीं होगा। सो बेसिकली वी थॉट के वील जस्ट डोज ऑफ, आके खाना वाना खा लिया, लंच वगैरह अपने इधर होटल में ही कर लिया, करने के बाद सो गए पूरे। और अभी 6:30 बजे है, अभी उठ के हम लोग जा रहे हैं ऐसे गोवा के पतली पतली गलियों से, हम लोग जाएंगे अभी स्ट्रेट कहाँ पता है, बागा बीच जाएंगे, बागा बीच, ठीक है। और पता नहीं ऋषि को ये बागा बीच सुन के बहुत हंसी आ रही है, ठीक है। सो एनीवेज तो अभी चलते हैं बागा बीच, और बागा बीच में जाके भाई वहाँ पे देखते हैं अभी क्या हाल चाल है। अभी मानसून में देखो गोवा तो मैं पहली बार आया हूँ, आई मीन मानसून में पहली बार आया हूँ, तो मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कि शैक्स वगैरह खुला रहेगा कि नहीं, अगर रहता है तो फाइन, नहीं तो भाई देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आज का भाई प्लान यही है कि बागा में चलते हैं, बागा में चल के गोवा की थोड़ी नाइट लाइफ ले लेंगे, एंजॉय करेंगे, और फिर वापस आ जाएंगे होटल में, और कल सुबह करेंगे कुछ और एक्सप्लोरेशन। तो चलते हैं बागा बीच।
तो भाई हम लोग अभी है बागा बीच में, और यहाँ पे पार्किंग का जगह था तो हम लोगों ने पार्क कर दिया। और ये देखो नाच रहा है। गोवा में आ रहे हो ना तो पार्किंग का बड़ा प्रॉब्लम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट अभी यहाँ पे ये सेफ जगह मिल गया पार्क करने के लिए तो मस्त है। आगे मिलते हैं बीच। सो अभी दिस इज़ द रैप ऑन टुडे, ठीक है। और क्या ही बताऊँ, अभी इतना रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, क्या ही बताऊँ। तो एनी वेज, तो अभी इस एपिसोड को करते हैं यहीं पे ख़त्म। और भाई यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे सो इसको और आगे नहीं बढ़ाते, इसको करते यहीं पे ख़त्म। आगे मिलता हूँ कल। कल हम लोग जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है गोवा में, ठीक है। और देख ही सकते हो ना, यहाँ पे पूरी फौज आ गई है। तो बेटर आई स्टॉप दिस वीडियो नाउ, और कल मिलते हैं। बाय।